কার বেটি হয় ও মমি রে খাও তুমি ज्यादा पानी नहीं डालेंगे बस की कोरी सा ए बोले ससुर ब्रश भी टूट गया है मेरा। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इतना गर्मी पड़ रहा है क्या बताएं। सो आज पता है हम कुछ आप लोगों को दिखाने वाले हैं जो कि हम बनाएंगे आज चिकन वो है घर का जिसको हम काटेंगे। और आज एक्चुअली क्या हुआ शूट करते करते शाम हो गया। मैंने सोचा मतलब ऑफिस से आते ही तुरंत शूट करेंगे बट क्या हुआ ना आज आते आते लेट हो गया। फिर वनायु का कुछ बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह मतलब वहाँ पे देना था कहीं एक जगह पे। सो इसीलिए वहाँ पे भी दौड़ भाग करते करते सो मैं लेट पहुँची घर और इसलिए ऊपर से मेरा तबीयत ख़राब है। मेरा आवाज़ फटा ढोल जो कि हो रहा है आप लोगों को पता है आवाज़ मेरा कैसा हो रहा है। सो वनायु है नेबर के घर पे वहाँ पे खेल रहा है वनायु वो बगल वाले घर पे खेल रहा है। और मैं जब वनायु खेल ही रहा है तो उसी टाइम पे ना गर्मी बहुत है बाल बांध लेते हैं तो बाल बांध लिया मैंने गर्मी में अब ठीक लग रहा है। एकदम गर्मी में खोल खाल के रखने से अच्छा बांध बांध के रखो जिससे गर्मी में बाल का हाल भी ख़राब हो गया है पूरा। मैंने कलर करवाया था लेकिन कलर जाके देखिए क्या हो गया पूरा पूरा बाल ख़राब हो गया मेरा। कलर कुछ दिन ही रहा फिर चला गया। सो पार्लर में जो कलर कराते हैं वही बहुत टाइम तक रहते हैं बट मैं पार्लर गए नहीं था खुद ही सस्ता वाला जो देसी जुगाड़ वाला पैकेट खरीद के कलर करवाया था। आप लोग मत करवाइए बहुत ही मेरा बाल का सत्यानाश और सर्वनाश दोनों एक साथ कर दिया है। सो अब हम बनाएंगे चिकन जो कि निबड़ दिया था वनायु को उसका सूप खाने के लिए। सो मैं सोची वो चिकन मैं बनाऊंगी सब लोग को दिखाते हैं चिकन का हाथ। वो चिकन रेडी है खाना बाकी है सो इसको हम बनाएंगे। मुझे काटना नहीं आता है सो इसको हम अभी सब लोग मिलकर काटेंगे और फिर हम खाने से अच्छा मतलब हम तो वैसे भी बहुत स्ट्रांग है ही इतना ज़्यादा तो खाते हैं मोटी हो गए। वनायु को इसका सूप खिलाएंगे सो इसको हम कट वट करके आते हैं लेकिन उससे पहले क्योंकि शाम हो गया है मेरा फिर मुकबंग का शूट भी करना है लेकिन मुकबंग के लिए मैंने खाना बना लिया है। सो देखिए मैंने मुकबंग के लिए क्या खाना बनाया। तो देखिए मैंने गाजर का पुलाव और राजमा और छोले का सब्जी बनाया है। आवाज़ इतना बैठ गया है कि क्या ही बताऊँ रानी मुखर्जी वाला से भी मतलब रानी मुखर्जी का जैसा आवाज़ हो गया है मेरा। तो ये है छोले और राजमा चावल और गाजर का पुलाव जो कि मैं मुकबंग के लिए रेडी कर रही हूँ जो कि ऐसे ही रख के मैं शूट करती हूँ। सो टेस्टी होगा शायद मैंने तो टेस्ट किया नहीं आवाज़ बैठ गया। तो आप लोगों ने देख लिया मेरा मुकबंग का खाना कितना टेस्टी हो रहा है। सो मैं ना तो शूट भी करना है मुकबंग का सो टाइम भी मेरे पास बहुत कम है। सो मैं सोच रही हूँ इसलिए कि थोड़ा सा फेस पैक लगा लूँ। गर्मी में डेली मैं फेस पैक लगाती हूँ नहीं तो फिर हाल ख़राब हो जाएगा फिर ऐसे ही मेरा स्किन ख़राब है ऊपर से अगर थोड़ा बहुत केयर भी ना करें फिर तो हो गया और सर्वनाश हो जाएगा। सो चलिए फेस पैक रेडी। आज ना मैं चंदन का नहीं लगाऊंगी आज मुल्तानी मिट्टी और एलोवेरा और हनी का मिक्स करके लगाऊंगी। तो चलिए आप लोग को फेस पैक दिखाते हैं उसका जो मिक्सचर है उसको हम दिखाते हैं। तो चलिए सो ये है मुल्तानी मिट्टी जो लगाऊंगी अभी मैं क्योंकि मेरा फेस का हाल ख़राब हो गया है और उसके साथ ये एलोवेरा जेल और एक चीज़ जो सच में प्रमाणिक है क्योंकि मेरा स्किन बहुत डैमेज हो गया था और ऑयली स्किन के लिए सबसे ज़्यादा ये विटामिन ई कैप्सूल ये ना 20 रुपये में आपको आ जाएगा 5-6 आ जाएगा। इसको थोड़ा इसको मिक्सर करेंगे तो देखिए हम कैसे लगाते हैं। तो ये है मुल्तानी मिट्टी जो कि हम अब लगाएंगे जो कि पेस्ट बन गया है तो फटाफट लगा लेते हैं फिर ना हमें फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा। और बुरा ये हुआ कि ब्रश टूट गया मेरा सो अभी हाथ से ही हम लगाएंगे। ब्रश ऐसे ही होता है सस्ता वाला ब्रश है जो कि टूट गया है तो कोई बात नहीं हाथ से ही अच्छे से स्किन पे लगा लेंगे क्योंकि हाथ साफ़ है और हाथ से भी अच्छे से हो सकता है। तो मैंने ये लगा लिया मेरा ब्रश भी टूट गया है मेरा दिन ख़राब चल रहा है इसलिए ब्रश भी टूट गया। तो ये जब तक सूखेंगे चलिए वनायु को ढूंढते हैं ये तो टूट गया खत्म सर्वनाश तो चलिए वनायु को ढूंढे वनायु बाहर खेल रहा है। तो मैंने ये अच्छे से लेप लिया है जो कि मेरा ब्रश टूट गया है इसलिए मेरा हाल ये हो रहा है। फेस पैक पता नहीं फेस पैक क्या हो गया है अभी। ये हम लोग का घर का जो गली है और ये हमारा भाभी है
जो कि भाभी हंस रहे हैं, तो भाभी असमीज है, असमीज अच्छा बोलता है। फिर ये सूख जाएगा अच्छे से। और पता है भरनायु कहाँ है? यहाँ है, जो कि भाग रहा है। तो आप लोग, तो आप लोगों का भरनायु देखने आए थे ना, तो भरनायु हाय बोलो सबको, नमस्ते बोलो यहाँ पे बाबू। तो भरनायु सब चिकन के साथ खेल रहा है, जो कि इसका एक चिकन हम लोग बना रहे हैं अभी। तो चिकन देखिए यहाँ पे कितना सारा, तो देखिए इतना सारा चिकन है और भरनायु चिकन के साथ खेल रहा है। भरनायु क्या कर रहे हो तुम? सबको नमस्ते बोलो, आज बोला ही नहीं। भरनु भरनु देखिए भरनायु बात भी नहीं सुन, बिल्कुल बात नहीं सुन रहा है। भरनायु सबको नमस्ते बोलो पहले। नो सब नमस्ते बोलो सबको, नमस्ते न करो, ए नमस्ते न करो। भरनायु बदमाशी हो रहा है। तो ये थोड़ा सूख जाए, फिर हम लोग, मैं फिर इसको धोऊंगी, फिर खाना बनाऊंगी मुंगबंग के लिए। तो थोड़ा सा यहीं पे बैठ जाते हैं, यहाँ भी बहुत अच्छा लगता है बैठ के। हाँ कुछ बोल रहे भरनायु, देखिए क्या हुआ, इधर आओ। हाँ इधर आओ। तो भरनायु इधर नहीं आ रहा है। सो यहाँ पे है भाभी लोग का आंवला का पेड़, क्योंकि अभी आंवला लगा नहीं है, लगेगा एक दो दिन में। सो यहाँ से देखिए हम लोग का घर, तो देखिए वो है मेरा घर। सो यहाँ पे ज़्यादा घर नहीं बन रहे हैं, थोड़ा बहुत ही घर है। सो तीन चार घर ही है। और ये है रोड, ऐसे गली करके यहाँ से हम लोग का वहाँ तक जाके रोड निकलेगा, मेन रोड। और भरनायु देखिए उसका बड़ी मम्मी के साथ ढूंढ रहा है, खेल रहा है, ये ऐसे ही खेलते रहते हैं। भरनायु की कोड़ी सा तुम्हें की कोड़ी सा ए बोले ससन इमान लेटरा पेटरा हो की कोई सा आज मम्मी पिटिले नी मम्मी नी हां नाई पता आहा मम्मी नाई मम्मी पिटिसिले नी के नाई पिता नाई पिता ए मोर मनत আছে মই মামি পিটিছিল পিটিছিল হয় নে পাহৈলা নেকি। आज मैं ऑफिस से आते ही भरनायु को राम धुलाई दिया है, जो कि कारण ये बदमाशी किया था बहुत ज़्यादा आज, जो कि मैं बताऊंगी बाद में। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा पिटाई की, जो कि मैं भूल गया है। तो चलिए फ्रेश फ्रेश वॉश करके फिर आते हैं आप लोग के सामने। हम लोग चिकन रोस्ट कर रहे हैं। so hard cause I love you, but I'm finally feeling like myself. तो भरनायु देखिए भरनायु को अब नहाएंगे, लेकिन भरनायु अभी बोल रहे अभी नहीं नहाएगा, थोड़ा टाइम बाद नहाएगा, थोड़ा सा और खेलने का मन है। और खेलोगे? हाँ आरो खेली मारे की और खेलने का मन है इसे। तो तब तक जब तक ये खेलेगी ना, तब तक हम चिकन बनाते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल डाल दिया मैंने, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, और ऑयल गर्म हो जाएगा तो थोड़ा सा प्याज दे देंगे, क्योंकि ये चिकन सिर्फ और सिर्फ भरनायु का है, मतलब भरनायु को खिलाने के लिए। तो मसाला बिल्कुल कम देंगे, बॉयल टाइप का। तो कैमरा और ज्यादा मेरा पास आ रहा है, मुंह और ज्यादा खराब दिख रहा है। यहाँ पे प्याज डाल दिया, क्योंकि आप लोग को पता है मैंने अदरक लहसुन कूट के रखा था, तो इसको भी हम यहाँ पे दे देंगे। एंड थोड़ा सा फिर से इसको भूनेंगे, फिर थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और बस इसको थोड़ा सा और भूनेंगे। और भरनायु का चिकन इसमें डाल देंगे, क्योंकि मैंने चिकन डाल दिया इसमें। तो इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा मीट मसाला, नहीं तो फिर अच्छा नहीं दिखेगा, तो थोड़ा सा मीट मसाला। एंड इसको फिर से हम भूनेंगे अच्छी तरह। इसको थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा सा हम ढक देंगे अभी। तो मेरा चिकन बन रहा है और मैंने नहा धो लिया, मुँह भी फ्रेश हो लिया, अभी थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि सुबह से भाग दौड़ कूद रहे थे। तो अभी भरनायु को चिकन पक जाए तो फिर भरनायु को खाना खिला देंगे, उसके बाद मैं भी फ्री हो जाऊंगी, फिर मैं भी मुंगबंग चैनल के लिए, मुझे भी शूट करना है, तो मैं भी रेडी हो जाऊंगी। हाँ बोलो। वाओ अच्छा बन रहा है चिकन। सो इसमें ना थोड़ा सा पानी देंगे ताकि ये सूप बन जाए, तो भरनायु को भी अच्छा लगेगा खाने के लिए।
बस सूप के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे। हो गया, तो मैंने पानी ऐड कर दिया। इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे ढक के, फिर से हम कम से कम 10-15 मिनट इसको 15 मिनट इसको ढकेंगे। तो ये घर का बाहर है, मतलब घर के बाहर थोड़ा सा बैठ रही, इतना गर्मी है अंदर, तो इसलिए बनावी भी आ गया। बनावी तुमको पढ़ाई नहीं करना है? हाँ, किताब पढ़सो? ना पढ़ो, पढ़सा नहीं पढ़ा, ना ना पढ़ो पढ़सा। तो थोड़ा सा बनाई को पढ़ाना भी है, होमवर्क वगैरह तो दे नहीं रहा क्योंकि समर वेकेशन चल रहा है, तो इतना गर्मी है ना, तो इसलिए थोड़ा सा बाहर सांस ले रहे हैं, पानी भी नहीं पी पा रहे। मतलब फ्रीज में पानी डाल के रखा था बट लाइट नहीं है, आज सुबह से आज पता नहीं क्या हो रहा, लाइट नहीं है। सो पानी मतलब ठंडा पानी हमें चाहिए, आज बारिश होगा पक्का। तो हाँ, चिकन चिकन बनाया सुरोबा, तो बनाई को चिकन खाना है बोल रहे हैं, तो सब पानी पी लेते हैं। इतना प्यास लग रहा था ना कि हम पानी भी नहीं पी रहे थे। एक्चुअली ये जो रूम है ना, जो ये वाला मैं ऐसे दिखा रही हूँ, जो ये वाला रूम है ना, इसमें मेरा शूट होता है। इतना परफेक्ट नहीं बन रहा है बट मैंने खुद उसको डेकोरेट किया है, थोड़ा बहुत सामान से मतलब मैंने खुद डेकोरेट किया है, जो कि मेरा मुकबंग और मेरा मेकअप का ब्लॉग्स वगैरह सब उसी रूम पे हो जाता है। तो मैं आप लोग को उसका ब्लॉग्स कल दिखाऊंगी क्योंकि बहुत टाइम लगेगा अच्छे से दिखाने के लिए, अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, मतलब मेरे पास टाइम शॉर्ट है क्योंकि मुझे फिर मुकबंग करना है। सो फटाफट चिकन बना के वरनाई को खिला के फिर मैं तो पता नहीं सुबह खा लूँगी, बट सुबह मंदिर भी जाना है, शनि मंदिर में, हर शनिवार को और मंगलवार को शनि मंदिर और हनुमान जी के मंदिर जाती हूँ। तो बनाई को पहले खिला लेते हैं एंड देन उसके बाद फिर मेरा शूट करेंगे, जो कि मेरा आज है, आप लोग को दिखा दिया था मैंने, राजमा और छोले का सब्जी, आलू फ्राई और सिंपल सा गाजर का पुलाव। सो चलिए बनाई को पहले खिला लेते हैं ना खाना। देखिए बनायो, मतलब बोल रहे हैं मम्मा भूख लग, ऐसे तो इसे भूख नहीं लगता, आज एक्चुअली इसने सुबह भी कुछ नहीं किया, शाम को भी कुछ नहीं खाया, दोपहर को भी कुछ नहीं खाया, सो इसलिए मेरा बैकग्राउंड का डब्बे वब्बे को इग्नोर। और बनायो कुछ बोल रहा था, कुछ बोल रहा था ना, बोलो क्या बोल रहा था सबको, की कहा था क्वेश्चन तुम्हारे, तुम्हें मम खा माने चिकन खा माने क्वा को ऐसे अभी नहीं बोलते हैं। सो चिकन रेडी हो रहा है, तब तक इतना गर्मी लग रहा है, ना बाहर जा पा रहे ना अंदर जा पा रहे, इसलिए लूज वाला एक टी शर्ट लगा लिया मैंने, चलो काम चलना चाहिए, बाल वाल बांध लिया ऐसे, हेयर कलर मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा अच्छा दिखे बट चला गया, लोकल वाला यही होता है, सस्ता वाला चीज़ ऐसे ही होता है, मतलब है ना कि देसी जुगाड़, अगर पार्लर में गए तो फिर 10-15 हज़ार डालो फिर अच्छा वाला बाल बन जाएगा, बट मेरा इतना कहाँ हैसियत है जो कि इतना अच्छा बाल बना पाओ, कोई बात नहीं काम चलना चाहिए, बस आवाज़ तो मेरा बैठ ही गया है, गर्म पानी से गर्गल कर रही हूँ फिर भी अच्छा नहीं हो रहा है। सो मेकअप का ब्लॉग्स बनाना था तो मैं परसों बनाऊँगी, वॉटर मतलब मेरे पास क्या है, क्या क्या सामान है मेकअप का, हिंदी एकदम आधा मरा हिंदी है मेरा, तो एक्चुअली मैं नेपाली हूँ, सो मैं नेपाली भी बोलूँगी, हिंदी भी बोलूँगी, असमियाओं को सब बोलेंगे, तीनों लैंग्वेज चारों लैंग्वेज जितना आता है उतना बोलेंगे, सो बम बम बनाए मत करो, तो बनायो बदमाशी करना मत करो ना, ऐसा बनायो ना एकदम बदमाशी करने में बहुत बदमाशी करता है बनायो आप लोगों का, अभी स्कूल बंद है ना समर वेकेशन इसलिए बदमाशी शुरू इसका, देखिए 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 क्या कर रहे हो, मेरे नाइकुरा, इसको हर लैंग्वेज तरह तरह आता है, मेरे नाइकुरा मतलब हिंदी ऐसे में सब बोलते है साथ साथ। तो चलिए फटाफट बनाए को खाना खिला लेते हैं पहले, है ना। तो चिकन रेडी हो गया है, अच्छा लग रहा है चिकन और टेस्टी भी हो रहा है, मैं थोड़ा सा खा के देखा था, तो वरनाई को खिलाना सबसे बड़ा मतलब बहुत कठिन काम है, जो कि वरनाई को खिलाना, उसको फुसला फुसला के खिलाना पड़ेगा, बहुत कुछ बोल बोल के खिलाना पड़ेगा फिर खाएगा, तो उसको खिलाते खिलाते आधा घंटा तो लग ही जाएगा, आधा घंटा एक घंटा। आप लोगों का बच्चे जो छोटा छोटा है उन लोग को भी शायद ऐसे ही होता है ना कि खिला मतलब उसको खेल कूद करके खिलाना पड़ता है। सच में गाइस आवाज़ इतना बैठ गया है ना, फिर भी मैं शूट करना नहीं मैं ही छोड़ रही हूँ। तो गाइस वरनायु ने खाना खा लिया है और मैंने उसको फुसला फुसला के खाना खिलाया, अभी वरनायु को हम थोड़ा सा जब फटाफट सुला के फिर हम मुकबंग करने जा रहे हैं। सो मुकबंग देखना मत भूलिएगा, सारा इट्स यूट्यूब में और फेसबुक में भी सारा इट्स ही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है,
प्लीज मत भूलिएगा और इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कीजिए। तो आज का मेरा सिंपल सा फैमिली का ब्लॉग्स कैसा लगा आप लोगों को, मुझे पता है आप लोग के मन में बहुत सारा क्वेश्चंस है, बहुत सारा भर भर के क्वेश्चंस है। हर क्वेश्चन का जवाब देने हम एक संडे को आएंगे, जो कि आप लोगों जितना सारा क्वेश्चंस है आप कमेंट सेक्शन में डालिए, हमेशा दीजिए कमेंट में, एक ही दिन निकाल के हम सब क्वेश्चंस का आंसर देंगे। सो बैकग्राउंड में जो मेरा कपड़ा दिखाया है प्लीज इग्नोर कीजिए, छोटा सा घर है, कपड़ा इधर उधर करके रखना पड़ रहा है। फिर से आएंगे अच्छा सा ब्लॉग से, कल पक्का प्रॉमिस कर रहे हैं आप लोगों को क्या दिखाएंगे कि हम शूट कहाँ करते हैं और हम शूट कैसे करते हैं, कैसे मुकबंग शूट करते हैं और कैसे यूट्यूब का शूट करते हैं। तो चलिए आज के लिए बाय बाय, आप लोग खुश रहिए और सेफ रहिए, हमेशा हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट।